नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सेवा भारती उत्तर प्रदेश कानपुर प्रांत के उच्च अधिकारियों द्वारा एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें खागा नगर क्षेत्रीय गांव कस्बे से कुछ लोगों के बीच गांव से लेकर देशभर के लोगों के भविष्य को लेकर बैठक शुरू हुई, जिसमें सर्वप्रथम तो अपने आप को पहचानने की बात कही गई, जिसमें कि हिंदुस्तान में रहने वाले हम हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करें कोई और सर्व समाज हमारा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है और ना ही किसी से कोई परहेज है। काम भले ही किसी तरह का हो लेकिन फिर भी हम हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं। आप लोगों को बताते चले कि सेवा भारती की कई शाखाएं हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम सभी लोगों का दायित्व है कि जो पिछड़े हैं उन्हें भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा विभाग, संस्कार केंद्र खोलकर अनपढ़ लोगों को के बच्चों नौजवानों को शिक्षा प्रदान कर उन्हें भी सबके बराबर का दर्जा दिलाने का काम करते हैं और बेरोजगारों को अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाने, सब्जी मसाले पीसकर पैकिंग कर मार्केट में सप्लाई, सिलाई कढ़ाई जैसे तमाम तरह के कम पूंजी में काम कर आगे बढ़ने के लिए कामों लेकर यह बैठक आयोजित हुई और सभी को स्वतंत्रता की अनुभूति होनी चाहिए ऐसी सोच को लेकर यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें पुराने लोगों की जिम्मेदारी के साथ कुछ सर्व समाज कल्याण के लिए कुछ नए लोगों को जिम्मेदारी के अनुसार पदों की घोषणा भी की गई। आइए सुने क्या कहा उच्च स्तरीय सेवा भारती के जिम्मेदार अधिकारी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। अब बच्चा क्यों पढ़ा रहे हैं? बच्चा इसीलिए पढ़ा रहे हैं, इसको भी स्कूल में पढ़ाया जाता होगा कगारा पढ़ो। अब ये कह दे कि कगारा मुझे रोटी दे देते उपयोगी, हर चीज़ की उपयोगिता है। पढ़ना क्यों पढ़ा? अब तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये बच्चे पढ़ा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि पढ़ने की उपयोगिता है कि नहीं? महाराणा प्रताप के बारे में बताते हैं, है ना। अब जैसे मोबाइल है, अभी इससे 10 साल पहले मोबाइल का गांव में कोई यूज नहीं था, बुड्ढे लोग कहते हैं बेकार वाली चीज़ रखा हुआ, इससे का काम है? आज सबकी ज़रूरत है मोबाइल। समिति बनाने की दृष्टि से, आप लोगों से परिचय की दृष्टि से एक कल्पना संकल्पना आ जाए, समिति बनाने के साथ साथ करना क्या है, जाना कहाँ है, जब तक उद्देश्य सामने नहीं होता है तब तक उस समिति को बनाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए सेवा के लिए ही सेवा के काम बढ़ें, शिक्षा के, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सामाजिक, ऐसे सारे कामों के तरह तरह के आयामों के विस्तार के लिए और दुर्बल वंचित पीड़ित वंचित समाज के लिए वहाँ काम करने के लिए ये सेवा भारती है और ये काम देशभर में करती है सेवा भारती। उस दृष्टि से आज यहाँ पर बैठे हैं, इसकी रचना योजना बनाने के लिए विचार करने के लिए।